जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल की टॉप 20 रचनाएं, ठीक है। और आज आपको मैं ट्रिक से बताने वाला हूं। मैंने आपको रीतिकाल की रचनाएं याद करवा दी, आदि अब भक्तिकाल की भी याद करवा दी, अब दोस्तों आदिकाल की टॉप 20 रचनाएँ याद करवाने वाला हूँ आज की वीडियो में। सिर्फ पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है, ठीक है। और जो भी साथी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो 9098960921, ठीक है, इस नंबर से आप मैसेज भेजेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी। स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। परमाल रासों के रचनाकार कौन है? दोस्तों एक चीज़ बताना, परमाल मतलब क्या होता है? पर मतलब दूसरों का, माल मतलब सामग्री या कुछ भी। तो परमाल और दूसरों का अगर माल चुराना है तो क्या करना पड़ेगा? जगना पड़ेगा। ये चोर लोग क्या करते हैं? दूसरों का माल चुराते हैं तो वो रात में जगते हैं। जग से बनेगा आपका जगनिक। और क्या चुराते हैं? परमाल। दूसरों का माल चुराते हैं चोर रात में जगकर, तो जगनिक, ठीक है। परमाल चुराना है तो जगना पड़ेगा, तो जगनिक। परमाल रासो जैसे कि आला खंड कहा जाता है। और ये दोस्तों इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? जगनिक हैं, ठीक है, सभी लोगों को वैसे पता होगा। अगला है बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, जब भी आदिकाल की बात आती है दो रचनाएँ पूछी जाती है, एक तो पृथ्वीराज रासो, दूसरी बीसल देव रासो। ये दो रचनाएँ पूछी जाती हैं हमेशा, ठीक है। तो बीसल देव रासो के आपको बताना है 2 सेकंड में। और दोस्तों आपको पता है कि बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? वो हैं नरपति नाल। नरपति और नरपति दोस्तों कितने होते हैं, है ना? 20 नहीं होते, बोले 20 पति नहीं होते, एक पति होता है, है ना? 20 पति नहीं होते, 20 क्या नहीं होते, पति नहीं होते तो नरपति, 20 नरपति नहीं होते, एक होता है, ठीक है। तो बीसल देव रासो के रचनाकार कौन होंगे? नरपति नाल, ठीक है। और ये अजमेर के शासक से संबंधित थे दोस्तों, है ना, ये जो बीसल देव रासो है। और ये गीति काव्य माना जाता है ना, इसको आपको याद रखना है। अगला है कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? कीर्ति लता, दोस्तों आपको पता है कि कीर्ति उसी की फैलेगी जिसमें विद्या है, जिसमें विद्या है उसकी कीर्ति जगह जगह फैलेगी, जिसमें विद्या नहीं है उसकी कीर्ति नहीं फैलेगी। तो ये जो कीर्ति फैलेगी कब फैलेगी? जब विद्या है तो विद्यापति, है ना। तो कीर्ति लता विद्यापति, ठीक है, विद्या है तो कीर्ति फैलेगी, तो कीर्ति लता विद्यापति। और दोस्तों आपको पता होगा कि विद्यापति जी की कितनी रचनाएं थी? एक तो थी इनकी कीर्ति लता, ठीक है, कीर्ति लता, और एक थी इनकी कीर्ति पताका। कौन सी थी? कीर्ति पताका। और एक थी दोस्तों इनकी पदावली, ठीक है। तो ये इनकी रचनाएं थी 3, तो पद लता पताका, पद लता पताका ऐसे याद रखेंगे, पद लता पताका। तो ये 3 रचनाएं आपको याद रखना है, और जिसमें जिसकी जिसमें विद्या है उसकी कीर्ति फैलेगी, इस प्रकार से याद भी करेंगे, ठीक है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? दोस्तों आपको पता है आप वर्ण लिखते हो, वर्ण, है ना, जैसे आ अनार का, आ आम का, ये क्या कहलाते हैं? वर्ण। तो वर्ण आप अंधेरे में पढ़ोगे कि ज्योति में पढ़ोगे? वर्ण अंधेरे में नहीं पढ़ना है, हमें ज्योति में पढ़ना है, ज्योति यानी कि उजाले में पढ़ना है। तो वर्ण हमें ज्योति में पढ़ना है तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर, है ना। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन होंगे? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं कभी पूछूं आपसे वर्ण रत्नाकर, बोले सर वर्ण तो हमें ज्योति में पढ़ना है, तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ठीक है। अगला है राउल बेल की रचनाकार कौन है? दोस्तों आपको ट्रिक भी बताना है, कौन सी अच्छी ट्रिक लगी है वो कमेंट में बताना है। वीडियो के लास्ट में एक चैलेंज प्रश्न दिया जाएगा तो उसका उत्तर भी आपको बताना है, ठीक है। राउल बेल, बेल समझते हैं आप दोस्तों, बेल बजा दी, बोले यार बेल बजा दी बड़ा रोड़ा है। कभी कभी आप जब सोते हो, कभी कभी आप सोते ही हो और कोई बेल बजा दे तो सोने में रोड़ा बन जाती है, कौन? सोने में रोड़ा बन जाती है बेल, सोने में रोड़ा बन जाती है बेल। तो राउल बेल और बेल बन जाती है क्या? रोड़ा। तो राउल बेल की रचनाकार कौन होंगे? रोड़ा कवि, रोड़ा कवि, यानी कि यह नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपने कभी कभी अनुभव किया होगा दोस्तों, जैसे ही आप सोए और किसी ने बेल बजा दी,
बाहर से, तो रोड़ा बन जाती है आपके सोने में, तो रोड़ा रोड़ा कवि की है रावलबेल। ठीक है, अगला है ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको पता है कि ढोला से बनेगा ढोल, और ढोल वही बजा सकता है जो ढोल बजाने में कुशल है, ढोल बजाने में जो कुशल है वही ढोल बजाएगा, तो ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन होंगे, कुशल लाभ, है ना। ये देखो ढोल बजा रहे हैं क्योंकि ये क्या है, कुशल हैं ढोल बजाने में, है ना। तो ढोल से ढोला मारूरा दूहा, और ढोल वही बजाएगा जो कुशल है, तो कुशल लाभ। ठीक है, यानी कि जो सी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों विजयपाल रासू के रचनाकार कौन है। चार विकल्प हैं, और आपको पता है दोस्तों आपने गदर फिल्म देखी होगी, गदर फिल्म देखी है, शनि देवल अकेले, और शनि देवल क्या करते हैं, विजय प्राप्त करने के लिए नल उखाड़ देते हैं। विजय प्राप्त करने के लिए क्या उखाड़ देते हैं, नल। ये देखो हाथ में, ये विजय प्राप्त करने के लिए इन्होंने नल उखाड़ दिया, तो विजय से बनेगा विजयपाल रासो, और नल उखाड़ दिया तो नल सहभाट, नल सहभाट बोले नल उखाड़ दिया, है ना। विजय प्राप्त करने के लिए नल उखाड़ दिया तो नल सहभाट की रचना है, कई बार पूछी भी गई है। ठीक है, अगला है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। दोस्तों पृथ्वीराज रासो, और आपको पता है ये पृथ्वी है, और ये इसका एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा। तो यहाँ पर पृथ्वी आया है तो इसका उपग्रह भी कहाँ पर आएगा, यहाँ उपग्रह आ जाएगा, तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, तो चंद्रवरदाई, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों जवाहरे खुसरवि की रचनाकार कौन है। जवाहरे खुसरवि, और आपको पता है कि जो जवाहर हीरा मोती जवाहर ये किसके पास होंगे, गरीब के पास कि अमीर के पास। ये देखो ये जवाहर हैं, हीरा मोती जवाहर, और ये जवाहर जो होंगे वो किसके पास होंगे, अमीर व्यक्ति के पास होंगे कि गरीब व्यक्ति के। तो आपने बिल्कुल सही आंसर पहचाना है कि सर अमीर के पास होंगे, तो जवाहरे खुसरवि की जो रचना होगी वो किसकी होगी, अमीर खुसरो, और खुसरवि से तो खुसरो है ही, तो खुसरवि। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है। तो चार विकल्प हैं, और आपको पता है दोस्तों कि जब एक पति एक पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, एक पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ की व्रत रखती हो, जब ये चल्ली में से वह चांद को देखती है तो चांद कैसा नजर आता है, मधुर, कैसा नजर आता है, मधुर, तो मधुकर, है ना। मयंक मतलब भी चंद्रमा होता है, और चंद्रमा की चंद्रिका को जब पत्नी देखती है तो जो चंद्रिका है वो कैसी नजर आती है, मधुर, तो मधुकर, है ना। जय मयंक जस चंद्रिका कैसी नजर आ रही है, मधुर से मधुकर। ठीक है, जय मयंक जस चंद्रिका, चंद्रिका नजर आ रही है मधुर तो मधुकर। ठीक है, यानी कि जो सा नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सा नंबर। ठीक है, अगला है खुमान रासु के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको पता है खुमान मतलब होता है दीर्घायु, खुमान मतलब क्या होता है, दीर्घायु, लंबी आयु। ठीक है, लेकिन खुमान रासो, खुमान एक पदवी भी थी शिवाजी की, है ना, इन्हें खुमान की पदवी दी गई थी, और खुमान रासो के जो रचनाकार होंगे वो कौन होंगे, दलपति विजय। खुमान से बनेगा दोस्तों आपका गुमान, और हम बोलते ना कि गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, कभी कभी कोई दल का पति विजय प्राप्त करता है तो उसे गुमान हो जाता है, गुमान, तो गुमान से खुमान, है ना। दल का पति अगर विजय हो जाता है तो उसे गुमान हो जाता है, तो खुमान रासों के रचनाकार दलपति विजय। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। दोहा कोश के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको पता भी तो है, आप बोलोगे सर दोहा सुनाओ, सर दोहा सुनाओ, तो सर से सरहपा और दोहा सुनाओ से सो दोहा कोश, है ना। ट्रिक अगर मैं इधर लिख दूं कि ट्रिक सर दोहा सुनाओ, दोहा सुनाओ, सर से सरहपा, दोहा से दोहा कोश, तो दोहा कोश के रचनाकार सरहपा। ठीक है, अगला है श्रापकाचार्य के रचनाकार कौन है। हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है दोस्तों, और ये जो श्रापकाचार्य है, आपको पता है कि जैन धर्म में व्यक्ति जब भगवान के पास जाता है तो श्रावक बन के जाता है भगवान के पास, है ना, और भगवान को क्या बोलता है, देव। तो श्रावक जाता है किसके पास, देव के पास, श्रावक बनकर जाता है व्यक्ति देव के पास, तो श्रापकाचार्य के रचनाकार कौन होंगे, देवसेन। ये देखो ये व्यक्ति श्रावक बनकर गया है किसके पास, भगवान
या फिर देव के पास, ठीक है। तो श्रावक बन के जाना है देव के पास। तो श्राप का चार के रचनाकार देवसेन, 933 इसका रचना काल माना जाता है, 933 ईस्वी, ठीक है। श्राप का चार की ओर प्रथम रचना है हिंदी की। अगला है बुद्धिरास के रचनाकार कौन है। बुद्धिरास दोस्तों आपको पता है कि हम बोलते हैं कि वो बुद्धिशाली लोग हैं, बुद्धिशाली लोग हैं, तो यहाँ पर वो ही तो पूछी गया है कि बुद्धिशाली, तो बुद्धिशाली यानी कि बुद्धिशाली भद्रसूरी, बुद्धिरास शाली भद्रसूरी। और किसी किसी की तो साली भी बहुत बुद्धिमान होती है, बोलते हैं जिस जिसकी शादी हो गई बोले मेरी साली बहुत बुद्धिमान है ना। तो बुद्धि से बुद्धि और बुद्धिशाली, साली ऐसे याद रखना, बुद्धिशाली वो बुद्धिशाली लोग हैं। तो बुद्धिशाली से बुद्धिरास, साली से साली भद्रसूरी, है ना, तो बुद्धिशाली इस प्रकार से। अगला है रेवंतगिरी रास के रचनाकार कौन है। चार विकल्प में 2 सेकंड में आपको बताना है। दोस्तों आपको पता है कि रेवंतगिरी एक पर्वत था, जैन धर्म से संबंधित पर्वत है रेवंतगिरी, और रेवंतगिरी की पर विजय प्राप्त करनी थी। बहुत सारे राजा सोचते थे कि रेवंतगिरी पर क्या करनी है, विजय प्राप्त करनी है। काय पर? रेवंतगिरी पर। तो रेवंतगिरी रास के रचनाकार कौन होंगे, विजय प्राप्त करनी है तो विजयसेन सूरी। रेवंतगिरी पर क्या प्राप्त करना है, विजय, तो विजयसेन सूरी, है ना, ये विजयसेन सूरी की रचना है। यानी कि आपका जो विकल्प नंबर सी है वो सही हो जाएगा। अगला है चंदन वाला रास के रचनाकार कौन है। दोस्तों चंदन वाला, हम जब मंदिर जाते हैं तो चंदन की आस लगा के जाते हैं, चंदन की आस, चंदन की आस। ये देखो ये महाशय चंदन की आस लगा के बैठे थे, तो इनको चंदन लग गया, तो याद रख लेना चंदन की आस, तो आसगु, चंदन की आस तो आसगु, ठीक है। चंदन वाला रास किसकी होगी, आस से आसगु, है ना, चंदन की आस, इतना याद करना चंदन की आस, तो आसगु कवि की है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है। कुमारपाल प्रतिबोध, दोस्तों आपको पता होगा आजकल के जो कुमार हैं वो सोमरस बहुत पी रहे हैं, सोम, है ना, कुमार लोग सोमरस पी रहे हैं, तो सोम प्रभ सूरी, सोम प्रभ सूरी इस प्रकार से याद करेंगे। कुमार लोग सोम पी रहे हैं तो सोम प्रभ सूरी, है ना, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार सोम प्रभ सूरी। कच्छुली रास के रचनाकार कौन है। कच्छुली रास आपको बता है दोस्तों, आपसे मैं पूछूं कच्छुली, कच्छुली बाजार गए थे कच्छुली, बोले हाँ मैंने तिलक लगाकर प्रज्ञा ली, है ना, प्रज्ञा तिलक, है ना, इस प्रकार से मैंने प्रज्ञा ली तिलक लगाकर, तो प्रज्ञा तिलक कच्छुली रास, बोले कच्छुली रास कच्छुली, तो बोले हाँ ली प्रज्ञा, ली प्रज्ञा, है ना, तो प्रज्ञा तिलक कच्छुली, प्रज्ञा तिलक, प्रज्ञा तिलक। ये देखो ये तिलक लगा कर क्या ले रहे हैं, प्रज्ञा ले रहे हैं, प्रज्ञा यानी कि प्रतिज्ञा, है ना, वही ले रहे हैं, तो कच्छुली बोले प्रतिज्ञा ली तिलक लगाकर, ठीक है, इस प्रकार से। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है। दोस्तों चार विकल्प हैं, और आपको पता है दोस्तों कि केदारनाथ में हमें क्या करना है, चंद्रमा का प्रकाश करना है, केदारनाथ में चंद्रमा का प्रकाश करना है, तो चंद से चंद्रमा और चंद्रमा का प्रकाश कहाँ करना है, केदारनाथ में, तो केदार भट्ट, चंद्रमा का प्रकाश करना है कहाँ, केदारनाथ में, तो केदारनाथ भट्ट, केदार भट्ट की रचना है जयचंद्र प्रकाश। जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर की है, है ना, और जयचंद्र प्रकाश ये केदार भट्ट की है, ठीक है। अगला है दोस्तों हमीर रासों के रचनाकार कौन है। दलपति विजय, सारंगधर, केदारनाथ, केदार भट्ट या फिर सोम प्रभ सूरी। तो हमीर रासों कई बार पूछी गई है, याद रख लेना इस सारंगधर की है, किसकी है, सारंगधर, ठीक है, हमीर रासो सारंगधर, हमीर रासो किसकी, सारंगधर की, ये चीज बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों आपको कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी है वो कमेंट में आपको लिखना है, ठीक है, और सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे, है ना, जितने लोग ने भी ये वीडियो देखा है सभी लोग को एक चैलेंज प्रश्न है कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और ये चैलेंज सभी को स्वीकार करना है, और उत्तर सभी को कमेंट में जरूर लिखना, मैं सारे कमेंट चेक करूंगा, ठीक है। वीडियो को सभी लोग लाइक करें, और सुबह 9:30 बजे रोज अपना वीडियो होता है दोस्तों हिंदी साहित्य का ट्रिकी वीडियो, रात्रि 9 बजे अपन हिंदी साहित्य का टेस्ट सीरीज पढ़ते हैं,
तो ये दो वीडियो होते हैं दोस्तों, और आप दोस्तों चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। ज्वाइन मेंबर बनने के लिए ज्वाइन ग्रुप अलग से बनाया जाएगा, जिसमें ज्वाइन मेंबर रहेंगे, जहां पर बहुत सारी व्यवस्था रहेंगी। सबसे पहला तो आपका कमेंट हाईलाइट होगा, जब भी आप कमेंट करते हो इमोजी आपको मिलेगा, तिरंगा इमोजी मिलेगा, ठीक है। आपके लिए कुछ ऐसी क्लासें होंगी ज्वाइन मेंबर के लिए जो सिर्फ ज्वाइन मेंबर देख पाएंगे, ज्वाइन मेंबर का अलग से ग्रुप भी होगा, उनके लिए विशेष कुछ ना कुछ किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ज्वाइन मेंबर बनने के लिए दोस्तों सिल्वर प्लान है, 59 रुपये आपको पे करना होगा। ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको व्यवस्था मिल जाएगी, सिल्वर प्लान 59 रुपये, ठीक है। गोल्ड प्लान में दोस्तों आपको 159 रुपये, और डायमंड प्लान में आपको 299 रुपये पे करके आप चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब वीडियो को लाइक करना है, और जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनके लिए 9098601 91 ये नंबर है, इस पर आप मैसेज करें, आपको तुरंत ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, है ना। और अपना एक चैनल है IAS स्टडी ट्रैक, ठीक है, ये यूट्यूब टेलीग्राम ग्रुप है। अगर टेलीग्राम आप चलाते हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, उसमें सर्च करें IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाएं, ठीक है।